वेलकम बैक गाइस, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी वीडियो एक रिक्वेस्टिंग टॉपिक पर है कि ट्रिकोस्मी कब रिमूव होगी या ट्रिकोस्मी कब हटेगी। और गाइस, आप भी अगर किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस, वापस हम हमारे टॉपिक पर आते हैं कि ट्रिकोस्मी कब हटेगी, कब रिमूव होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस, जो ट्रिकोस्मी कब रिमूव होगी, कब हटेगी, इस बात को जानने से पहले आप इस बात को भी समझिए और जानिए कि ट्रिकोस्मी क्यों की जाती है और ये कितना ज़रूरी है पेशेंट के लिए। और यही क्वेश्चनिंग और यही सब हॉस्पिटल में भी पूछा जाता है कि ट्रिकोस्मी क्यों कर रहे हैं आप लोग। हॉस्पिटल में भी एक्सप्लेन करना पड़ता है पेशेंट्स के रिलेटिव को या फिर जो भी उसका नोन होता है, और वही सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, जो पेशेंट है उसको ट्रिकोस्मी काफ़ी सारी कंडीशन और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ती है, जो कि पेशेंट की हेल्थ को जल्दी से इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी होता है। तो गाइस, जो पेशेंट अनकॉन्शियस है और काफ़ी लंबे समय से वेंटिलेटर पर है, तो उसे मुंह से एक ट्यूब डाली जाती है ट्रैकिया तक, जिसे ईटी ट्यूब, एंडोट्रैकिया ट्यूब बोलते हैं, और उसे वेंटिलेटर से ही कनेक्ट किया जाता है, जिससे उसे आर्टिफिशियल ब्रीथ दी जाती है, जो कि आपको पता ही होगा ऑफकोर्स। तो जो ईटी ट्यूब है, एंडोट्रैकिया ट्यूब है, अगर वो वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट है और काफ़ी लंबे समय से पेशेंट वेंटिलेटर पर ही है, तो उसे दोनों फेफड़ों में नमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब बाइलेटरल नेमोनाइटिस बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। रहते क्या हैं गाइस, होता ही है, मैंने खुद ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। इसलिए आपने देखा होगा कि हॉस्पिटलों में चेस्ट की फिजियोथेरेपी होती है रेगुलरली, और अब जो डॉक्टर हैं वो इस रिस्क को नहीं लेते और सातवें से दसवें दिन ही देख लेते हैं। अगर पेशेंट लगता है कि काफ़ी लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहने वाला है या एंडोट्रैकिया ट्यूब पर रहने वाला है, तो ट्रिकोस्मी प्रोसीजर को किया जाता है, ताकि पेशेंट को नमोनिया ना हो, नेमोनाइटिस ना हो बाइलेटरल। और दूसरा कारण है गाइस, ओरल हाइजीन। अगर पेशेंट एंडोट्रैकिया ट्यूब, ईटी ट्यूब पर रहता है, तो मुंह से जो ट्यूब जाती है उससे उसका जो मुंह है, माउथ है, उसकी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए भी डॉक्टर और जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं वो ट्रिकोस्मी को प्रेफर करते हैं करना। और तीसरा कारण है सेल्फ एक्सटूबेट, मतलब कि जो पेशेंट इतना ज़्यादा सीडेट होता है या इरिटेट हो जाता है कि वो अपने आप उस ट्यूब को, एंडोट्रैकिया ट्यूब को निकाल लेता है मुंह से, और जिससे जो इंटरनल पार्ट्स हैं, अपर रेस्पिरेटरी का जो पाथ है वो इंजर्ड हो जाता है, या लैरिंग्स जो है वो, या ट्रैकिया, वो इंजरी हो जाती है उसमें, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ये हो जाती है इसे हैंडल करना। साथ ही अगर किसी पेशेंट को अपर एयरवे पाथ में इंजरी हुई हो, तब भी उसे एंटूबेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, एंडोट्रैकिया ट्यूब डलती नहीं है ईटी ट्यूब, और तब उस पर ट्रिकोस्मी प्रोसीजर किया जाता है। या अगर पेशेंट के चेस्ट में काफ़ी बलगम हो, जमी हो, और उसे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो, चेस्ट पूरी कंजेशन हो गया, उसमें बलगम हो पूरी की पूरी, या COPD के पेशेंट्स होते हैं, ऐसे अस्थमा के पेशेंट होते हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और पूरा बलगम जम जाता है उनकी छाती में, ऐसी कंडीशन में भी ट्रिकोस्मी किया जाता है, ताकि जो चेस्ट में जो म्यूकस है उसको आसानी से निकाला जा सके सक्शन से। और सक्शन की एक वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप आई के बटन पर क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं। और अगर पेशेंट की सैचुरेशन जो है वो मेंटेन नहीं रहती, जो ऑक्सीजन लेवल है उसका वो भी काफ़ी कम रह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट को ट्रिकोस्मी की जाती है। तो गाइज, ये तो थे कुछ कंडीशन और फैक्ट्स जिनको ध्यान में रखते हुए ट्रिकोस्मी का प्रोसीजर करना ही पड़ता है। और अब बात आती है कि ट्रिकोस्मी कब रिमूव होगी, कब हटेगी। तो गाइज, इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। तो गाइज, पहली कंडीशन तो ये है कि आपका पेशेंट पूरी तरह से कॉन्शियस होना चाहिए, मतलब कि पूरी तरह से होश में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि पेशेंट को आपने ट्रिकोस्मी कराया है 6 महीने पहले या 1 साल पहले, और आप कह रहे हैं कि 1 साल हो गया या 6 महीने हो गए हैं हमारे पेशेंट को और ट्रिकोस्मी अब हटानी है। तो गाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आपके पेशेंट का खुद का सांस तो होना चाहिए ना, वो पूरी तरह से होश में भी होना चाहिए। उसका खुद का सांस होगा और वो पूरी तरह से कॉन्शियस होगा तभी ट्रकियोस्टमी को हटाया जा सकता है, क्योंकि जिस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ट्रकियोस्टमी की है वो हमारी बात पूरी ही नहीं हुई। मतलब कि जो पेशेंट की हेल्थ को हमने इम्प्रूव करना था, अब पेशेंट की हेल्थ तो इम्प्रूव हुई नहीं है, वो डिजीज़ उसकी ठीक हुई नहीं है, तो ट्रकियोस्टमी को कैसे हटाया जा सकता है? तो आप ये बात समझने की कोशिश करें। तो जो पेशेंट है वो पूरी तरह से कॉन्शियस होना चाहिए, और दूसरी बात है कि पेशेंट पूरी तरह से कमांड को ओबे उसका करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पेशेंट को आप कहते हैं कि हाथ उठाएं या वो पैर उठाएं, तो उनका हाथ और पैर उठाना ज़रूरी है। आप उन्हें पूछे कि टीवी कहाँ है, या पेशेंट का कोई रिलेटिव है उसको पूछिए वो कहाँ पे। अगर वो हाथ से इशारा करते हैं, मतलब कमांड को फॉलो करते हैं आपकी कमांड को, तब काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि ट्रकियोस्मी जो है वो रिमूव हो सकती है। साथ ही अगर वो खुद उठ बैठ रहे हैं बिना किसी सहारे के, तो भी काफ़ी चांसेस हैं कि ट्रकियोस्मी जो है वो हट सकती है। साथ ही अगर वो ओरली डाइट को ले रहे हैं, मतलब अपने आप निगल रहे हैं ओरली ओरल को, ओरली डाइट जो भी है, जूस है या फिर वो सूप है या फिर जो भी आपके डॉक्टर ने आपको बोला है वो ले रहे हैं, तो भी चांसेस हैं कि ट्रकियोस्मी हट सकती है। तो गाइस ये कुछ बातें हैं कि आपके पेशेंट का एक तो कॉन्शियस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं कॉन्शियस कह रहा हूँ ना ही सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस, आपका पेशेंट का पूरी तरह से कॉन्शियस होना, मतलब कि पूरी तरह से होश में रहना ज़रूरी है। उसको आपके आसपास के वातावरण का होना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको सारा समझ में आना चाहिए। उसकी आवाज़ तो आएगी नहीं, लेकिन उसको सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। कॉन्शियस होना उसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही उसको उठ बैठना, वो खुद उठ बैठ सके, और आपकी जो आपकी कमांड है जो आप कह रहे हैं उसको फॉलो करे, हाथ ऊपर उठाना या टांगे उठाना जो भी है, और लिक्विड डाइट को निगलना भी ज़रूरी है। साथ ही जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी 90% से अबव, अगर 95 से भी अबव है तो भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मानी जाती है। और ये सब बातें हैं, अगर ये सभी पेशेंट कर लेता है तब डेफिनेटली ट्रकियोस्टमी को हटाया जा सकता है। और गाइज एक प्रोसीजर है हटाने से पहले, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी थोड़ी लंबी हो चुकी है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे देख सकते हैं कि आपका पेशेंट ट्रकियोस्टमी जब हटेगी तो सांस ले पाएगा कि नहीं। ये ट्रकियोस्टमी लगे रहने पर ये प्रोसीजर किया जाता है, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।